देखो इतना जोर से पानी गिर रहा है और इतना ठंडा है पानी, लग रहा है ऋषिकेश में ही है इतना ठंडा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और अभी रात के बज रहे हैं 10:30। अभी मैंने वीडियो स्टार्ट किया बनाना इसलिए क्योंकि पिछले 3-4 दिन से इतनी ज्यादा गर्मी थी इधर, इतनी ज्यादा गर्मी थी कि मेरा बीपी लो था 3-4 दिन तक। मतलब बिल्कुल मुझे बहुत बेचैनी सी ऊब सी हो जाती है गर्मी में। पर अभी अचानक से अभी 10 बजे तक यहाँ गर्म था मौसम, बहुत ज्यादा गर्म था। पर अभी 10 बजे के बाद जो है हमारे यहाँ तूफान आया। अभी 10 मिनट हुआ होगा तूफान आया और खूब बारिश हो रही है। मेरा दिन दीवाना, बारिश हो रही है। कैसे दिखाऊं मैं आपको? बैक कैमरे से अच्छा कोशिश करूंगी दिखाने की। मतलब भर गया इधर तो, इतना ज्यादा बारिश हो रही है। मतलब 10 मिनट के अंदर ही इतना बारिश हुई। अगर रात भर होगी तब तो गली गली सब भर जाएगी, इतनी बारिश हुई है। और अब जाके मेरा थोड़ा सा मुझे सुकून सा मिला। और कल से मेरे कूलर का जो मोटर होता ना पानी वाला पंप, वो भी खराब हो गया था। आज मैंने दिन में उसमें थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाया, ठीक किया उसको, खोला। उसमें ना वो कूलर के जो रेसिसे होते हैं वो पता नहीं कैसे घुस गए, एक दो बाल उसमें घुस गए थे, वो खराब हो गया था। अभी शाम को मैंने उसको जुगाड़ लगा के ठीक किया है। तो मतलब बहुत ये था, रात भर बिना पानी के कूलर चला था। ये तो अच्छा है कि पीछे की खिड़की मैंने खोल दी थी उसकी, तो थोड़ा सा चैन था। पर आज रात भर मैं नहीं सोई हूँ, जो रात बीती है आज की वो पूरी रात मैं नहीं सोई हूँ। आपको मेरे चेहरे से ऐसा लग रहा होगा, पर चेहरा तो ऐसे ही हमेशा रहता है। पर हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जितनी भी वीडियो आज तक आपने देखी ना, वो सारी संडे की थी। और मतलब संडे को ही सुबह से लेकर शाम तक मैंने काम किया था, उसी दिन की थी। पता नहीं उस दिन काम करने की वजह से क्या है, बहुत ज्यादा मतलब बीपी लो हो गया था और दांत का दर्द भी ऐसे का ऐसा ही है। लेकिन अभी बारिश हुई है अच्छी खासी, अब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून सा लग रहा है। मन तो कह रहा है अगर दिन होता ना मैं पक्का भीगती, पक्का पानी में भीगती। पर क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म था मौसम। और देखो अभी ये देखो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, उधर पानी भर गया है। इतना ज्यादा मतलब पानी आ रहा है ना कि इधर पानी भर गया। और बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी चलो बारिश को मैं एंजॉय कर लेती हूँ थोड़ी देर बाहर बैठ के, इधर बैठती हूँ और बारिश को थोड़ा सा एंजॉय करूंगी मैं। उसके बाद और जो वीडियो होगी कल आपको दिखाऊंगी मैं क्या बनाती हूँ नहीं बनाती हूँ। उल्टा पानी सब तरफ से आ रहा है, मतलब जिधर से भी मन हो रहा है उधर से ही आ रही है बारिश। इधर से मन हो रहा है इधर से आ रही है, उधर से मन हो रहा है उधर से आ रही है। वही चप्पल हटा लेना बेटा, सैंडल हटा लेना, खराब हो जाएगी। जो बारिश झमाझम हो रही है, बहुत तेज है गाइस, बहुत तेज है गाइस, देखिए बहुत तेज है। इधर भी मतलब ये इधर भी बारिश हो रही है और आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? देखते हैं चमक चमक की बारिश हो रही है और पीछे पीछे इतना भर रहा है। मन खुश हो गया एकदम से, पता है बारिश देख के मन कर रहा है इधर ही बैठ लूं। पर इधर भी आ रही है थोड़ी थोड़ी बारिश। मेरा मन करता है जब भी बारिश, और बारिश के साथ साथ तूफान भी बहुत ज्यादा है। मेरा मन करता है जब भी बारिश आता है कि बैठ के लाओ पकौड़ी खून देर तक चाय। इस टाइम अभी खाई तो खाना, अभी चाय के साथ पर छोबोट करना ही खाई, कोई पादन उखलना बिना नहीं। बिल्कुल ठंडा हो गया एकदम सुहावना सा मौसम। चलो जैसा होता है कल बात करेंगे आपसे, देखते हैं क्या होता है। बहुत ज्यादा तूफान तो नहीं है, बहुत ज्यादा भी ना आए इतना ही बस ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा भी झेल नहीं सकते हम। और देखो कैसे चमक चमक चंडीगढ़ घर, चंडीगढ़ में बारिश हो रही है। अच्छा, चंडीगढ़ में बारिश हो रही है, चंडीगढ़ में बारिश हो रही है। बंगाल, दक्षिण बंगाल में तो और भी हो गया था, पश्चिम बंगाल में बारिश हो रही है। हम दूध पीने वाले हैं। हाँ, अभी दूध मैंने गर्म किया है, अब हम चल रहे हैं पहले दूध पिएंगे। तो अगर
अगर बारिश नहीं होती मैं पक्का दूध नहीं पीती। मैंने दूध अभी गर्म किया, मैं वैसे ही रख देती दूध को, क्योंकि इतना ज्यादा गर्मी थी कि बिल्कुल कुछ भी मन नहीं हो रहा था। मैं खाना खा के अभी मैं मतलब बहुत टाइम तक मैं छत पे ही थी, उधर ही बात कर रही थी, मैं छत पे ही थी, बच्चे इधर देख रहे थे टीवी, क्योंकि ये गए नहीं, बच्चे थे इधर। और चलो ठीक है, मिलते हैं कल, बात करते हैं, ठीक है, उसके लिए बाय बाय, बाय बाय, उसके लिए बाय बाय, उसके लिए बाय बाय, बाय बाय, उसके लिए। सो फ्रेंड, यहाँ मैं बना रही हूँ सब्जी, जो कि मैंने दोपहर में खाना बनाया था, वो क्लिप मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। इसके लिए मैंने पहले आलू गोभी को फ्राई कर लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। तड़के में मैंने जीरा डाला, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला, उसके बाद मैंने यहाँ प्याज लहसुन और मिर्ची जो है वो कूट के रखा था वो डाला, थोड़े से तेज पत्ते डाले इसमें मैंने, और बस इसको थोड़ा सा मैं गोल्डन फ्राई होने दूंगी। उसके बाद मैंने ये मसाले जो पानी में भिगो के रखे थे इसको डाल दिया, और मैं अक्सर बताती हूँ मैं पानी में ही घोल के फिर मसाले यूज करती हूँ, मुझे सूखे मसाले ऐसे डालना अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है उसकी टेस्ट, उसका टेस्ट जो है वो अच्छे से नहीं आया। तो देखो हमारे मसाले अच्छे से हो चुके हैं, अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, दो कटा हुआ टमाटर मैंने डाल दिया है इसमें, ज़्यादा मैंने नहीं बारीक किया है टमाटर, क्योंकि आजकल ऐसा है कि टमाटर जो है वो अच्छे आ रहे हैं, वो जल्दी से पक जाते हैं, और टमाटर अच्छे से पक जाए इसके लिए मैं इसमें नमक भी डाल दूंगी। नमक डाल के मैं थोड़ा सा इसको ढक के रख दी हूँ, उसके बाद ये मैंने खोला तो अभी इसमें अच्छा कलर आ रहा है, और अच्छा कलर आने के लिए मैंने थोड़ी सी कसूरी मिर्च, अरे कश्मीरी मिर्च डाल दी है इसमें, और अच्छे से सब कुछ मिला दूंगी मैं। इसके बाद अब इसमें जो मेरी सब्जियां हैं इनको मैं डाल दूंगी, आलू और गोभी। तो आलू मैंने ज़्यादा डाल रखा है क्योंकि मेरे बच्चे आलू बहुत पसंद करते हैं, तो मैं और वो गोभी नहीं खाते तो उनको आलू आलू ही मैं निकाल के दूंगी, तो उनके लिए मैंने ज़्यादा आलू डाला है इसमें, और इसको भी डाल के अच्छे से मैं चला लूँगी। पहले थोड़ी देर मैं इसको ढक के रख दूँगी, थोड़ा सा भाप जब बन जाएगा ना फिर मैं इसमें पानी डालूँगी। तो ये मैं थोड़ा सा इसको ढक दी हूँ, अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी अपने ज़रूरत के हिसाब से, और बस जितना मुझे वैसे ज़्यादातर भाप जब लगाया ना तो उसमें थोड़ा सा पक चुका है, थोड़ा ही और रह गया, और जब तक सब्जी पक रही है तो मैंने आटा भी लगा लिया था। और ये देखो हमारी सब्जी जो है वो बन के एकदम से रेडी हो गई है। आलू को मैं थोड़ा बड़ा बड़ा ही रखी हूँ क्योंकि इसको निकाल के बच्चों को दूंगी मैं, और मैंने मन चेंज कर दिया था, फिर मैं ये आलू जो है ना निकाल के और आलू के अंदर भर के फिर बच्चों के लिए बनाऊंगी, ये था मेरा, इसलिए मैंने इसको नहीं किया, नहीं तो मुझे आलू आलू ना थोड़ा दबा दबा के फिर अच्छा लगता है। और